पर ये बिल्कुल आसान है किसी व्यक्ति के बारे में बताना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पेड़ को उसके फलों से पहचान सकते हो, पेड़ को उसके फलों से पहचान सकते हो। एक आम सी भविष्यवाणी है जो आप सब के बारे में होती है और आप सब करते हैं कि जब आप प्रार्थना में होते हैं या कोई और प्रार्थना में होता है तो आप एक ही बात बोलते हैं, प्रभु तुझे बहुत आशीष देगा। बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके स्वभाव को, उसके प्रार्थना के जीवन को देख के हमारे मुंह से अचानक निकलता है कि ये व्यक्ति आगे बढ़ेगा, ये परमेश्वर का डर मानता है तो प्रभु इसको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। ये बड़ी आशीष का वचन निकलता है जब आपके स्वभाव को लोग देखते हैं। अगर तू गालियां देता है तो बोलते क्या यीशु गाली देता है, अगर तू अच्छा बोलता है तो बोलते हाँ परमेश्वर अच्छा सिखाता है, ये अच्छे लोग हैं। अगर तू बुरा बोलता है तो तुझे देख के बोलेंगे लोग यीशु मसीह भी बुरा है। तेरे औकात को देख के, तेरे चरित्र को देख के, तेरे पाप को देख के दोष यीशु दे सिर मरदे ने। लोग बाइबल नहीं पढ़ते और तेरी जिंदगी नु पढ़ते ने। हालेलुया। तो आपका स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव के जैसा जब होने लग जाता है तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो। अब ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता है उसका दिल कैसा होगा? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप लोग बताइए, जो परमेश्वर के साथ चलता होगा उसका दिल कैसा होगा, उसका मन कैसा होगा, बताइए कैसा होगा उसका मन? बोलिए बोलिए, माफ करेगा सबको। और बताइए, और बताइए कोई और बताइए। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते तो आपके दिल से पूछ के बताओ कि आपके अंदर क्या गुण है, कोई ना कोई एक गुण तो होगा ही ना परमेश्वर वाला। भाई ने बताया माफ कर देता है, और सबसे प्रेम रखने वाला होगा। हाँ, और बताइए, किसी से नफरत नहीं करेगा, और दूसरे के दुख को देख के खुश नहीं होगा बल्कि दुखी होगा, प्रेयर करेगा उसके लिए, और क्या होगा? खुदा के साथ चलने वाले का दिल कैसा होगा? परमेश्वर के साथ चलने वाले का दिल कैसा होगा? अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो आपके दिल में कितना प्रभाव पड़ेगा, आपका मन कैसा होगा? हेलो, बताइए ना, पवित्र होगा, कैसा होगा दिल? है साफ सुथरा दिल होगा, नम्र होगा, दीन होगा, उसका मन साफ होगा। जो परमेश्वर के साथ चलता है उसका दिल भी परमेश्वर के जैसा होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। और वो नया मन क्या करेगा? वो नई नई बातें बताएगा, पुरानी बातें खत्म हो जाएगी, पुराना मन जो कठोर था, जो घमंडी था, जो लालची था, वो मन का सिद्धांत बदल जाएगा। अब लालची नहीं रहेगा, अब मांगने वाला नहीं होगा, अब देने वाला होगा, है ना? अब घमंडी नहीं होगा, अब दीन हो जाएगा। जब जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने लग जाता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हम इसीलिए बोलते हैं क्या मन बदला? मसीह में तो आ गया लेकिन मन नहीं बदला, इसका मतलब क्या है? देखिए, मसीहत को एक बात और बोला जाता है कि क्या तुमने नया जन्म पाया, क्या तुमने मन परिवर्तन किया, क्या तुमने मन फिराव का बपतिस्मा लिया। ये बातें अक्सर बोली जाती है मसीह जीवन में। अगर आपने मन नहीं बदला तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते, आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। अगर आपके मन में वही पुरानी उल्टफेर की बातें हैं, आपके मन में वही ढीठता है, आपके मन में वही चुगलियां अच्छी लगती हैं, आपके मन में वही घमंड भरा हुआ है, आपका मन पुरानी बातों में खुश है, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के आसपास भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर के साथ चलता है उसका दिल तो परमेश्वर जैसा हो जाता है। हालेलुया, उसका दिल तो परमेश्वर के दिल जैसा हो जाता है। हालेलुया, जो मैंने दिल पाया वो परमेश्वर के दिल जैसा दिल है, जैसा परमेश्वर कहता है वो मेरे दिल में आता है, जैसा परमेश्वर के मन में है वो मेरे मन में चलेगा। तभी कहते हैं हम कि आत्मा ने मेरी अगुवाई करी, तभी हम कहते हैं आत्मा ने मेरी अगुवाई करी। क्यों? क्योंकि आपका दिल परमेश्वर की आत्मा की बातें सुनने लग जाता है।
और अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते तो परमेश्वर का आत्मा कहेगा घुटने टेक, आपका दिल कहेगा अच्छी रोटी खा रखी आराम से सो जा। सुबह परमेश्वर का आत्मा कहेगा उठ दुआ कर। अगर आपका दिल परमेश्वर के दिल जैसा नहीं है, परमेश्वर के साथ आप नहीं चलते हैं, तो आपका दिल कहेगा सो जा, बहुत अच्छी नींद आती है, सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है। और अगर आपका दिल परमेश्वर के दिल जैसा है और आपने गलती से भी गलती कर दी, तो वो आपका दिल अंदर से आपको कायल करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको दुखी करेगा, और आप जब तक उस गलती के लिए माफी नहीं मांगोगे आपके दिल में चैन नहीं आएगा। कई बार आपने देखा गली में दो बहनें खड़ी होके एक उधर से बोल रही है, एक उधर से बोल रही है, एक उधर से जोर जोर से बोल रही है, वो भी बोले जा रही है, फिर वो भी और ज्यादा बोल रही है, फिर वो भी और ज्यादा बोल रही है, और बोल बोल के एक तो चुप हो जाती है, दूसरी चलती रहती है, और बाद में फिर कहते हैं हाँ अब आया ना चैन। आप यहां बैठे हैं ना, परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, हो सकता है आपके दिल में कुछ और चल रहा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से ज्यादा धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद और कौन जान सकता है। सबसे ज्यादा धोखा देता आपका मन। क्या पता यहां बैठे बैठे आपके मन में आ रहा हो ये पादरी साहब पता नहीं कब बंद करेंगे। क्या पता यहां बैठे बैठे आपके मन में आ रहा हो ले भाई ये बहन तो अच्छा कुर्ता पजामा अच्छा सूट डाल के आई है, अगली बार मैं इससे भी बढ़िया वाला डाल के आऊंगी। आपका मन कौन घुमा रहा है आपको? हाँ जी आपका आपका दिल अगर खुदा के साथ चलने वाले नहीं है तो आप दुनिया में घूमेंगे, दुनिया की सैर करके आएंगे आप, और जब बाद में अगर आपसे पूछा जाएगा तो फिर आपका समझ में नहीं आया, दोबारा बोलिए क्यों आप यहां है ही नहीं, आप यहां पे है ही नहीं, आपको समझ में क्या आएगा, आपका दिल तो कहीं और है। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ दिल लगा लेता है तो उसे अपना बना लेता है और वो उसका हो जाता है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो आपका दिल भी परमेश्वर के दिल जैसा हो जाएगा। फिर आपकी सोच नहीं रहेगी, आपकी सोच परमेश्वर की सोच आपकी सोच बनेगी। हालेलुया, परमेश्वर की सोच आपकी सोच बनेगी। इसलिए दिल सबसे ज्यादा धोखा देता है, मन सबसे ज्यादा धोखा देता है। आपको समझना है आपके मन के बारे में कि आपके मन का सिद्धांत क्या है, क्या आपका मन परमेश्वर के साथ चलता है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते तो आपका मन भी साफ सुथरा होगा, आपका मन भी पवित्र होगा, आपका मन भी दीन होगा, नम्र होगा, परमेश्वर की बातों को घुटने टेक के स्वीकार करेगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, परमेश्वर को अपने हृदय में रखेगा। ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर के साथ चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता। हालेलुया, ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर के साथ चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता, क्योंकि परमेश्वर उसे आगे थाम लेता है, परमेश्वर उसकी उंगली पकड़ लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, नहीं तो फिर गले में लगा लेता है, कंधे पे बिठा लेता है, गोद में उठा लेता है और कहता तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे कैसे ठोकर खाने दूंगा। और उसके दिल में तसल्ली होती है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है उसके दिल में तसल्ली होती है। ऐसी तसल्ली चाहे दुनिया इधर चली जाए उधर चली जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यीशु के साथ चल रहा हूं। फिर वो लोगों को नहीं देखता, वो दुनिया को नहीं देखता। अच्छा मसीह में आने के बाद भी दिल धोखा देता है, आपने मन फिरा लिया फिर भी कभी कभी मन धोखा देता है, बड़ा धोखेबाज है आपका मन। कैसे कैसे धोखा देता, मसीहों का मन कैसे धोखा देता उनको, किसी को अनुभव है ऐसा? आप मसीह में हो लेकिन फिर भी आपके मन ने धोखा दे दिया। जब किसी व्यक्ति को दुष्टात्मा कायल करती है ना, दुष्टात्मा जब किसी को कायल करती है तो दुष्टात्मा उसे कहती है जादू टोने वाले के पास चल, तंत्र मंत्र वाले के पास चल, खुदा के साथ मत चल, क्योंकि तू खुदा के साथ चलेगा तो मुझे तकलीफ होगी। वो ये नहीं कहेगी तू खुदा के साथ चलेगा तो मुझे तकलीफ होगी, लेकिन उसको मालूम है कि ये व्यक्ति खुदा के साथ चलेगा तो मुझे तकलीफ होगी, इसलिए वो कहती है चुपचाप कहती है छोड़ी संगति को थोड़ा उधर जा, वो संगति से कटना शुरू करेगा, उसका दिल नहीं लगेगा संगति में, क्योंकि दिल में तो कुछ और आके बैठ गया, और धीरे धीरे संगति के नाम से उसको गुस्सा आएगा, संगति के नाम से उसको आलस आएगा, संगति के नाम से वो भागेगा,
और कामों के लिए वो तैयार हो जाएगा, लेकिन संगति में जाना है तो वो थोड़ा सा पीछे हटेगा, दो कदम पीछे चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका दिल खुदा से बातें नहीं करता, उसका दिल खुदा के दिल जैसा नहीं है, उसका दिल में कुछ और चल रहा है, उसका मन उसको गुमराह कर रहा है। और जब किसी को परमेश्वर का आत्मा कायल करता है, परमेश्वर का आत्मा जब किसी को कायल करता है तो वो और परमेश्वर के नजदीक आता है, और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है, और प्रभु के चरणों में दीन और नम्र होकर बैठता है। हालेलुया। याद रखना, आपके कामों से आपका पता लग जाता है कि आप क्या हो। आपकी सोच आपके कामों से प्रकट होती है, आपका व्यक्तित्व आपके कामों से प्रकट होता है। प्रभु के पीछे चलोगे, प्रभु के साथ चलोगे तो प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये होना ही होना है। अगर आप यीशु के साथ चलोगे तो यीशु आपको ऊंचा उठाएगा। कोई दुनिया में आज तक ऐसा नहीं है जो ये कह सके मैं यीशु के साथ चला और मैं बर्बाद हो गया। मैंने तो कोई ऐसा नहीं देखा, मैंने तो कोई ऐसा नहीं देखा जो मुझे बोलता है यीशु के नाम में दे दे। कोई कटोरा उठाते हुए देखा आपने कभी? बस में कोई बैठ के बोलता है मुझे यीशु मसीह के नाम से दे दे। और किसी किसी के नाम से मांगेंगे, लेकिन यीशु के नाम से मांगने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यीशु लेना नहीं सिखाता, देना सिखाता है। मैं एक बार कई साल पहले एक घर में प्रेयर करने के लिए गया तो एक बहन जी सिर घुमा रही थी, तो घर वालों ने पूछा इसे पूछो तो सही कौन है जी ये। मैंने पूछा कौन है? कहना मैं यीशु मसीह हूं। सिर घुमाने वाली बोल रही है मैं यीशु मसीह हूं। मैं कहता तू यीशु मसीह है? यीशु वाले काम तो नहीं है तेरे, यीशु मसीह वाले तो तेरे काम ही नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि तू यीशु मसीह है? यीशु मसीह तो दुष्ट आत्मा को निकालता है, तू दुष्ट आत्मा है, अब तुझे कैसे बोल दूं मैं यीशु मसीह है तू? ऐसे बहुत सारे होते हैं भाई, अंत का समय, अंत के समय में तो बहुत सारे ऐसे होंगे। हालेलुया। इसलिए सावधान रहना, कहीं आपका दिल आपको अंदर ही अंदर धोखा तो नहीं दे रहा। इसलिए सावधान रहना आपके दिल में क्या चलती है। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी करना, सबसे ज्यादा। तुम्हारा नुकसान होता है तो होने दो, पहले अपने मन की चौकसी करो कि तुम्हारा मन कहीं तुम्हें गुमराह तो नहीं कर रहा, तुम्हारा मन कहीं तुम्हें जीवते परमेश्वर से अलग तो नहीं लेके जा रहा। अब परमेश्वर के साथ चल सकते हो, बड़ा आसान है परमेश्वर के साथ चलना, बहुत आसीस है परमेश्वर के साथ चलने में। बीच में आपका मन आ जाता है, आप संगति में आयो, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आप कहते हैं मेरे मन में ठेस लगी। आपके मन को ठेस नहीं लगी, बल्कि आपके अंदर जो घमंड था उसको किसी ने हिला दिया। वो घमंड कहता है आज के बाद नहीं आना इधर, आज के बाद इधर नहीं आना। क्यों नहीं आना? पादरी साहब ने मुझ पर प्रचार कर दिया, आज का सारा वचन मेरे ऊपर ही था। ऐसा भी बोलते हैं ना कई बार, वचन में मेरे को टारगेट कर लिया। अरे भाई, आपके मन की घमंडता की बातों को तोड़ रहा है परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है, वचन आपके ऊपर हो रहा है, तो आपसे ज्यादा आशीषित और आपसे ज्यादा धन्य कौन हो सकता है कि खुदा सीधे ही आपसे बात कर रहा है? आपसे ज्यादा आशीषित कौन हो सकता है अगर खुदा सीधे आपसे बातें कर रहा है अपने वचन के द्वारा? बोलने वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बोलने वाला कोई भी हो, पर आपका मन क्या करेगा? ना ना, आज के बाद नहीं जाना। और आप अपने मन के साथ सहमत हो जाएंगे, ठीक है ये होने का कोई फायदा नहीं है। हम ऑफरिंग लेते हैं ना, एक बहन ने बोला वहां नहीं जाते, तो दूसरी ने पूछा क्यों नहीं जाते? वहां तो बाल्टी आगे अड़ा देते हैं, डालो इसमें। उसके मन में ये आ गया कि ये तो मांगते हैं। मन गड़बड़ करता है आपका साथ। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो आपका मन का स्वभाव अलग है, फिर आपके मन का स्वभाव बदला हुआ है, अलग स्वभाव का मन है आपका। और क्या होता है, देखिए दो मनों के बारे में देखेंगे हम लोग। पहले मेरे साथ एक वचन पढ़िए, यर्मिया की किताब 17 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मन तो सब वस्तुओं से ज्यादा धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? लेकिन परमेश्वर कहता है मैं परमेश्वर यहोवा मन की खोजता और हृदय की जांचता हूं। क्यों? ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार उसको प्रतिफल दूं।
जैसा आपका मन होगा आपके काम भी वैसा ही दिखाएंगे, और परमेश्वर आपके मन को देख के आपको आशीष देगा। अगर आपके मन में बुराई है ना, और आप बड़ी दुआ भी कर रहे हैं, पादरी साहब भी आपके लिए उपवास लेके रोजे ले लेके प्रार्थना कर रहे हैं, और आपके मन में घमंड भरा हुआ है या आपका मन खुदा से दूर है, तो आपके लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। आप चंगे भी हो जाएंगे, फिर बीमार हो जाएंगे आप आशीष भी पालेंगे, वो आशीष आपके हाथ में से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मन उसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए मन को समझना जरूरी है, और परमेश्वर जानता है मन को। उसके बाद एक वचन और पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए यहजकेल की किताब, उसका 36 अध्याय और 26 वचन पढ़िए। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देके ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुमको नया मन दूंगा। इसलिए हम बोलते हैं, जब कोई मसीह में आता है, हम पूछते हैं, क्या तूने मन फिराया है? क्या तूने मन फिराया है? क्यों फिराया मन? क्योंकि परमेश्वर वाला मन और मनुष्य वाला मन दोनों में बड़ा फर्क है। मनुष्य वाला मन लालची है, मनुष्य वाला मन अपना फायदा देखता है, परमेश्वर वाला मन परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। आजकल बहुत चला हुआ है, मसीह लोगों को उनका मन भरमा रहा है, मसीह लोगों को, परमेश्वर के लोगों को भी उनका मन धोखा दे सकता है, धोखा दे सकता है आपका मन। सावधान रहिए। कैसे धोखा दे सकता है मसीह लोगों को उनका मन? पहली बात तो ये कि हम अगर हर रोज अपने मन को नहीं जांचेंगे, आपके मन में जो जो उल्टफेर की बातें चलती हैं, आपके मन में जो कुछ दुनिया को देखता है, वो सब कुछ आपके अंदर जाता है, आप उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, और अपने मन में पता नहीं क्या 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 आप सोचते रहते हैं, वो सोचना आप बंद कर दीजिए। हर रोज अपने मन को जांचिए कि आपका मन आपको क्या सलाह दे रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। हर रोज जांचिए, अगर गलती करता है तो वापस लेकर आइए और प्रभु के सामने रखिए कि प्रभु नहीं नहीं मुझे ऐसा मन नहीं चाहिए जो मुझे भटकाए, मुझे ऐसा मन नहीं चाहिए जो मुझे धोखा दे, मुझे ऐसा मन नहीं चाहिए जो कठोर होता जा रहा हो। कठोर मन भी होता है, कठोर भी हो जाता है मन। परमेश्वर की बात आती है, परमेश्वर की आवाज आती है, परमेश्वर के लोग बोलते हैं, पवित्र आत्मा बोलता है, लेकिन मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता। तुम्हारा मन नहीं मानता तो तुम्हारे मन की कौन पूछता है? तुम्हारे मन को ना मानने दो, उसको साइड में करो, उसको बोलो मैंने तेरी सुननी नहीं, मैंने तो परमेश्वर की सुननी है, मुझे तो परमेश्वर की सुननी नहीं। आजकल बहुत सारे लोग अपने मन की सुन के खुदा से दूर जा रहे हैं, अपने मन की सुन के। क्यों? उनके मन को जो अच्छा लगता है वो वैसे करते हैं, उनके मन को जो अच्छा लगता है वैसा करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन सेवकों से दूर होते जा रहे हैं, कलीसियाओं से दूर होते जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के मन। मालूम है क्यों? क्योंकि उनका मन कहता है चर्च में जाएगा तो तुझे डांटेगा पास्टर जी, चर्च में जाएगा तो तुझे कुछ बोल देगा, चर्च में जाएगा तो लोग देख लेंगे। एक ऐसा परिवार जिसको मैं कई सालों से जानता हूं, उनके दोनों बच्चे अमेरिका चले गए और उनके एक बेटी है, बेटी ने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी हो गया, तो उन्होंने कहीं से संपर्क करके बोला कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बोला ठीक है, संगति में आ जाओ, हमारी संगति वहां पे लगती है। कहते उधर तो हम सब लोग हमें जानते हैं, उधर के सब लोग हमारे को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो तांत्रिक का काम करते हैं, करते थे, लोगों के भूत निकालते थे वो लोग भी, तो उनके सामने नहीं आना चाहते। जो लोगों के सामने मसीह का इनकार करता है वो मसीह से क्या प्यार करेगा? यीशु मसीह ने कहा वो मेरा है ही नहीं। जो लोगों के सामने मसीह का इनकार करता है कि ना 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 मैं तो मसीह को मानता ही नहीं, वो मसीह का नहीं है भाई। तुम लोगों के सामने उसको स्वीकार करोगे, वो बाप के सामने तुम्हें स्वीकार करेगा। हालेलुया। तुम लोगों के सामने उसका इनकार करोगे, वो बाप के सामने तुम्हारा इनकार करेगा, कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तुम्हारा मन तुम्हें जीवते खुदा से दूर ले जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों चौकस रहो, कहीं तुम्हारा कठोर मन तुम्हें जीवते परमेश्वर से अलग ना कर दे।
आपके मन में डर आ जाता है, आपके मन में भय आ जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कलीसिया में जाएंगे। एक परिवार में मैं कई बार मुझे बुलाया, एक अच्छा परिवार है, कई बार मुझे बुलाया, मैं प्रार्थना करने के लिए गया। एक दिन मैंने उनसे पूछा तुम्हारा पास्टर कौन है, तो उसने बोला जी हमारा कोई पास्टर नहीं है, हमारा मन जहां चाहता है हम वहीं जाता है। मैंने बोला फिर मैं ऐसे घर में कभी नहीं आता है। क्यों, आप परमेश्वर के दास नहीं हो? मैं कहा परमेश्वर का दास हूं, तुम्हारा दास नहीं हूं, तुम्हारा कोई बाप ही नहीं है। तुम परेशान हो गए हो तो तुम देखते हो ऐसा कोई मिल जाए जिससे दुष्ट आत्मा निकल जाती है। दुष्ट आत्मा निकलवाने के बाद तुम अपने रास्ते जाओगे, जहां तुम्हारा दिल करेगा वहां जाएंगे, जहां तुम्हें दारू पीने की भी आजादी मिलेगी तो वहां जाएंगे, जहां तुम्हें सब कुछ करने की आजादी मिलेगी तो वहां जाएंगे। तो परमेश्वर के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम अपने मन की बात मान रहे हो, परमेश्वर की बात नहीं मान रहे, तो तुम परमेश्वर के हो ही नहीं। आपका मन आपको बड़ा धोखा देता है, वो आपको जिंदे परमेश्वर से दूर कर देगा और धीरे धीरे उसमें कठोरता आनी शुरू हो जाएगी। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि कब आप जीवते परमेश्वर से पीछे हट गए। मैं सच कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आप जिंदा परमेश्वर से कब पीछे हट गए। मन कहेगा कोई बात नहीं, फोन में सुन लेंगे, पास्टर जी ने ऑनलाइन करके रखा हुआ है, पास्टर जी ने ऑनलाइन करके रखा हुआ है। आजकल तो और भी फैसिलिटी आ गई, मुझे भी लोग बोलते हैं कि जी वो अपना स्कैनर लगा दिया करो। मैं कहा क्यों जी, स्कैनर क्यों लगा दे? नहीं जी, वो ऑफरिंग आती है ना, जो वचन सुनते हैं तो ऑफरिंग वहीं से डाल दिया करेंगे हम लोग। अब भाई तुम तो परमेश्वर से भी ज्यादा समझदार होगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो तुम्हारे लिए तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान होने के लिए चुन ले, तू उसके उसी घर में जाया कर और अपने दान दसवांश मन्नत की वस्तुएं स्वइच्छा बलियां है ना सब कुछ वहीं दिया कर। और इजरायली लोग क्या करते थे, लेकर जाया करते थे। और लिखा है अगर वो ज्यादा भारी हो तो उसको बेच के उसका मूल्य सारा वहीं पे देना, मतलब जाके देना। अब बड़ा ऑनलाइन आ गया भाई, गूगल पे कर देते हैं, एटीएम पेटीएम से एटीएम कर देते हैं, है ना। जाना जरूरी है, वो क्यों क्यों ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी कि तुम जाओगे लेकर जाओगे तो तुम्हारे मन में ये होगा मैं अपने खुदा के लिए घोड़े के लिए जा रहा हूं। तुम तैयार होके आराधना में जाओगे तो ये होगा आज मैं मुझे शाम को अपने कपड़े प्रेस करना है, क्यों? क्योंकि मुझे सुबह कल सुबह उठ के खुदा की आराधना करने के लिए जाना है। मणिपुर में बड़ा अच्छा लगता है, वहां ना अलग अलग कबीले के लोग हैं और उन कबीलों की ड्रेस अलग अलग है और इतने उत्साहित होते हैं वो। जब संडे आता है तो शनिवार को उनके अंदर एक खास बात होती है, वो शनिवार शाम को अपने कपड़ों को धो के प्रेस करके जचा के टांगेंगे जैसे शादी में जाना हो, और सुबह वो अपने रंग वाली ड्रेस डाल के फिर जाएंगे चर्च में। उनको देखने से ही पता लगता है कि ये चर्च में जाने वाले लोग हैं। और हम क्या करते हैं, बाइबल भी सुबह पूछते हैं, मम्मी मेरी बाइबल कहाँ रखी थी, ऐसे ही पूछते हैं ना, मैं अपनी बाइबल को बेडरूम में भूल के आ गई। फिर किसी को भेजेंगे जाके मेरी बाइबल लेके आ, प्लीज मम्मी मेरी बहन प्लीज मेरी बाइबल लेके आ। इसका मतलब क्या है कि आप तैयार होके नहीं आ रहे खुदा के साथ। आपका मन कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ कहीं ना कहीं आपके मन के साथ छेड़खानी हो रही है। वो खुदा वाला मन आपके अंदर नहीं है। परमेश्वर तो कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तैयारी करेंगे। जिसका मन परमेश्वर के साथ चलने वाला होगा, जो व्यक्ति मन से परमेश्वर के साथ चलता है वो पहले से तैयारी करके रखेगा। उस दिन कोई रिश्तेदार आ गया, कुछ आ गया, सबको बोलेगा साइड में हो जाओ, मुझे अपने खुदा के पास जाना, आज मैं किसी को नहीं दे सकता समय। क्यों? क्योंकि मन में परमेश्वर बसा हुआ है। अरे जिसके मन में परमेश्वर बसा है भाई, वो तो किसी और को पसंद ही नहीं करेगा, वो तो किसी और को चाहेगा ही नहीं, चाहे कोई पैसे लेके आए, कुछ करके आए, कुछ करके आए। मैं काफी लोगों को जानता हूँ चंडीगढ़ में। एक भाई ने बोला मैं संडे में जॉब नहीं कर सकता, मालिक ने बोला संडे में डबल पैसा मिलेगा तुम्हें लेकिन संडे करना ही होगा। उसने बोला मैं संडे में नहीं आ सकता सर, मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मालिक बोला अजीब आदमी है तू, बेवकूफ आदमी है, मैं तुझे डबल पैसे दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा सैलरी दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दे रहा हूँ, तो मैनेजर बन जाएगा। उसने बोला जो मर्जी हो जी, मैं तो थोड़ा ही कमा लूंगा लेकिन मैं संडे मिस नहीं कर सकता, मुझे अपने खुदा के घर जाना है। वो है परमेश्वर वाला मन।
आजकल लोगों के मन में क्या है? जो मन में आता है वही करेंगे। हाँ, जो मन में आता है वही करेंगे, जहां मन में आता है वही जाएंगे, जो मन में आता है वही खाएंगे, जो मन में आता है वही पिएंगे। तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा है। खुदा के साथ चलने वाले का मन पवित्र होगा, परमेश्वर के साथ चलने वाले का मन शुद्ध होगा। पति की किताब में लिखा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। राजा दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन उसके किसी उपकार को ना भूल, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। उसका नुकसान भी हो जाएगा तो भी कहेगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू धन्य है। उसकी नौकरी छूट जाएगी फिर भी कहेगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू धन्य है। उसका बिजनेस फेल हो जाएगा फिर भी कहेगा, प्रभु तू धन्य, तेरा धन्यवाद हो। उसके रिश्तेदार गुस्सा हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, लेकिन वो फिर भी कहेगा, परमेश्वर तू धन्य है, तेरा धन्यवाद हो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। वो अपनी संगति से संतुष्ट होगा, वो अपनी संगति से संतुष्ट होगा, उसे खुदा के चरणों में ही आनंद मिलेगा। वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा जिसका मन शुद्ध होगा, बल्कि वो परखेगा लोगों को। जिसका मन शुद्ध होता है ना, वो लोगों को परखता है, अशुद्धता की बातें नहीं स्वीकार करता, घमंड की बातें, उल्टफेर की बातें। आजकल जो ड्रामे हो रहे हैं ना मसीहत में, उन ड्रामों को स्वीकार नहीं करता वो। आजकल मसीहत में वो ड्रामे हो रहे हैं आपके मन को भटकाने के लिए। किसी ने प्रचार किया, चर्च में जाने की जरूरत ही नहीं। एक दिन मैं उस व्यक्ति से मिल गया तो मैंने बोला, राजा दाऊद क्या कहता है, मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे कि आओ यहोवा के घर चले। सुलेमान ने क्यों यहोवा का घर बनाया, दाऊद ने क्यों जमीन खरीदी यहोवा का घर बनाने के लिए। तुम कहते हो कि यहोवा के घर में जाना सही नहीं है, क्या जरूरी है परमेश्वर के घर में जाना, तुम घर में बैठ के ही कर लो। अरे भाई, जब तुम खुदा के घर में जाते हो तो तुम्हारे मन में क्या चलता है? तुम्हारा मन कहता है, आज बुरा नहीं देखना, आज बुरा नहीं बोलना, है ना, आज गुस्सा नहीं करना। क्यों? मैं खुदा के घर जा रहा हूं। इसका मतलब है तुम्हारे मन में परमेश्वर का डर पैदा हो रहा है, तुम परमेश्वर का आदर कर रहे हो, तुम परमेश्वर का आदर कर रहे हो, तुम्हारा मन आदर करता है। तुम्हारा मन कहता है, नहीं 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 परमेश्वर, मैं बुरा नहीं करूंगा, आज मुझे तेरे घर में जाना, आज मुझे आशीष लेकर आनी है। अगर लालची मन होगा तो क्या कहेगा, जहां से मर्जी हो आशीष मिलनी चाहिए, जैसे मर्जी हो आशीष मिलनी चाहिए। एक बार एक पादरी साहब ने एक भाई की पर्ची काट दी 50,000 रुपए की। लोगों ने बहका दिया, जितना पैसा दोगे उतनी ज्यादा आशीष मिलेगी। ठीक है, उसके अंदर एक छोटी सी दुष्ट आत्मा थी, पैसे देके आ गया, मन तो बदला नहीं। अब मन नहीं बदलेगा तो दुष्ट आत्मा कहां जाएगी, निकल तो गई फिर वापस आ गई। फिर गया, जी मैंने तो पैसे दिए थे जी, दुष्ट आत्मा नहीं निकली, मैंने तो पैसे दिए थे जी, दुष्ट आत्मा नहीं निकली। फिर बोला, कोई बात नहीं, दूसरी बार ले हैंड हो जाएगा तेरा। अब ये एक और नई बीमारी आ गई ले हैंड की, है ना। इस बात को इतना बड़ा करके बताते हैं कि ले हैंड, जबकि यीशु मसीह तो कहता है तुम सब कर सकते हो। वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, उसका तो उतना ही मतलब है ले हैंड। अब अंग्रेजी में आ गया तो देसी बंदे सोचते हैं ले हैंड पता नहीं कितनी बड़ी ताकत होगी। अगर आप किसी अंग्रेज के सामने बोलोगे ले हैंड प्रेयर करनी है तो बोलेगा, कोई बात नहीं, बैठो घुटने पे, मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख के दुआ कर दूंगा, हो गया। फिर आया, नहीं निकली जी। मैंने बोला, तो इधर आ जा। मैंने बिठा के उसको परमेश्वर का वचन सिखाया। मैंने कहा, देखो यीशु मसीह को जब तक अपना मन नहीं दोगे, अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करोगे और व्यक्तिगत रिश्ता जब तक उसके साथ नहीं जोड़ोगे, ये दुष्ट आत्मा 100 बार निकलेगी और 100 बार आएगी, और अकेली नहीं आएगी, 7 को और लेके आएगी। फिर आप 7 को निकालेंगे, 8 को निकालेंगे, 7 को फिर लेके आएंगे एक एक। तो तुम क्या करना चाहते हो बताओ मुझे। तो घबरा गया, जी फिर मैं क्या करूं, मेरा पैसा। मैं कह, तेरा पैसा तो गया, यहां पैसे से नहीं, प्रभु ने कहा सेंत में तो तुम्हें दिया, सेंत में तो दो, है वो चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे लोग आपको। एक ही कारण होगा कि आपका मन जिंदा परमेश्वर से भटक जाए।
आपका मन जीवते परमेश्वर की संगति छोड़ दे और धीरे धीरे करके आपका मन कठोर हो जाएगा। आपको खुद भी पता नहीं लगेगा कि आपके मन को क्या हो गया। मत्ती की किताब, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग में वही जाएंगे जो दीन मन के हैं, स्वर्ग में वही जाएंगे जिनका मन दीन है। और धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपके मन में शुद्धता नहीं है तो आप कभी परमेश्वर को देख नहीं सकते, मतलब उसके सामने नहीं जा सकते, मतलब ये कि स्वर्ग में नहीं जा सकते। अरे आपका मन आपका पासपोर्ट है भाई, जैसे दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने की जरूरत होती है, वीजा लगवाने की जरूरत होती है, वैसे ही परमेश्वर को देखने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाने के लिए आपका मन पासपोर्ट है। और आप अपने मन को कठोर होते जा रहे हो, आप अपने मन को कैसे कैसे बातों में डाल रहे हो, आपके मन में कैसी कैसी बातें चलती हैं, सावधान रहो। पौलुस कहता है भाइयों अपने मन को कठोर ना करो, कहीं तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर ना ले जाए। सावधान रहिए, अपने मन को जांचिए। जो खुदा के साथ चलता है उसका मन भली बातों का भंडार बन जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा भला मनुष्य भले मन के भले भंडार से भली भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे मन के बुरे भंडार से बुरी बुरी बातें निकालता है। जैसा जिसका मन होगा वैसा ही उसके काम होंगे, वैसा ही उसका चाल चलन होगा, है ना। भले मन का भंडारी होगा, उसका मन भला होगा और भली बातें उसके मुंह से निकलेंगी, भली बातें वो बोलेगा और उसका मन स्थिर होगा, टिका रहेगा उसका मन एक जगह। वो बोले कोई बात नहीं, प्रभु ने मुझे आज नहीं तो कल आशीष देनी है, उसका तो लिखा है उसके बारे में, तो वो तो आशीष उसने देनी ही देनी, आज नहीं देगा तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा, परसों नहीं तो उसके अगले दिन दे देगा, कभी भी दे देगा। आपका मन स्थिर हो जाता है कि नहीं कुछ भी हो मेरा मन खुदा के साथ लगा हुआ है, जो उससे भरा रहता है। और शैतान के साथ चलने वाले का मन कैसा होता है, चंचल होता है, मन चंचल मन होता है जो शैतान के साथ चलता है, उल्ट फेर की बातें चलती हैं उसके मन में, झगड़ा करने वाला मन, डा करने वाला मन, निंदा करने वाला मन। मैं मसीहों को बता रहा हूं अपने अंदर ध्यान से देखना आपके अंदर कौन सा मन है, आपके अंदर झगड़ा करने वाला, डा करने वाला, निंदा करने वाला, चुगली करने वाला मन तो नहीं, लालची मन तो नहीं, हठीला मन तो नहीं है, दुष्ट मन तो नहीं है, भरमाने और भटकाने वाला मन तो आपके अंदर नहीं है। ये बड़ा जोर चल रहा है आजकल भरमाने वाले मन का, भरमाने वाले मन का बड़ा जोर चल रहा है, बड़ा पैशन में चल रहा है भरमाने वाला मन आजकल। इंसान कहता है जो मेरे मन में आता है मैं वही करता हूं, मनुष्य कहता जो मेरे मन में अच्छा दिखाई देता है मुझे वैसा करना है। ऐसा करते करते सदोम और खमोरा के लोग क्या हुआ, नाश हो गए। क्यों? उनके मन में बुराई भर गई, उन्होंने जैसा जिसको अच्छा लगा उसने वैसा करना शुरू कर दिया। अंतिम समय है, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा ना दे दे, इसलिए अपने मन को स्थिर रखिए, मन को इधर उधर डगमगाने मत दीजिए। किसी ने कहा है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आपका मन आपको कहीं धोखा ना दे दे, आपका मन कहीं आपको जीवते परमेश्वर से अलग ना कर दे। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा। आप परमेश्वर के साथ चलते तो आपका मन भी नया होगा, और जो बातें आपके मन में होती हैं वो आपके चेहरे पे आ जाती हैं, आपके मन का रिएक्शन आपके चेहरे पे आ जाता है। गुस्सा होता है ना, मन में गुस्सा होता है तो चेहरे पे भी गुस्सा ही नजर आएगा, है ना। फूल थोड़ी बरसाएगा जिसके मन में गुस्सा हो, वो तो कोई कोई किसी किसी के अंदर गुण होता है, मन में तो कड़वाहट भरी होती है, ऊपर चेहरे पे हंस के दिखाता है, लेकिन बदला जरूर लेता है, फिर वो छोड़ता नहीं, बोलता कोई बात नहीं हंस लूंगा, फूल जड़ियां सब बिखेर देगा, है बत्तीस भी दिखाएगा, बत्तीस वाले दांत हंस के दिखा देगा, लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है, पाप भरा हुआ है ना, बदला नफरत भरी हुई है मन के अंदर, छोड़ूंगा नहीं। आपका मन कैसा भाई, आप अपने मन को जांचिए। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपका मन में ये सब बातें नहीं होंगी, आपका मन शुद्ध होगा, आपका मन साफ होगा,
आपका मन धोखा नहीं देगा किसी को, आपका मन आपको स्थिरता में रखेगा, आपका मन भटकने नहीं देगा आपको, आपका मन कहेगा कोई बात नहीं आज नहीं तो कल, धीरज धरेगा, धीरज वाला मन। अगर आपके मन में उतावली है, उतावलापन है, तो फिर वो आपका मन नहीं है। अब्राहम को कितने साल बाद बच्चा मिला? 100 साल का हो गया, परमेश्वर के साथ चलता रहा। परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे जातियों का बाप बनाऊंगा, तेरी संतान इतनी कर दूंगा, लेकिन 100 साल तक कुछ भी नहीं है। मन में कभी नहीं आया कि मैं इस परमेश्वर को छोड़ दूं, मैं कहीं और चला जाऊं, कभी नहीं उसके मन में आया। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को स्थिर करके रखा हुआ था कि नहीं, परमेश्वर ने बोला तो हो जाएगा बस। आजकल लोग लोगों से सुनते हैं, उनका मन लोगों की बातों पे लगा हुआ है, उनका मन लोगों की मीठी मीठी बातों पे लगा हुआ है, लेकिन असल में आपके अंदर क्या आ रहा है? जीवते परमेश्वर से दूर कर रहे हैं आपको, जीवते परमेश्वर से दूर लेके जा रहे हैं आपको। इसलिए सावधान रहिए, आपका मन आपके साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। जो मन में आए वो मत कीजिए। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर वाले मन के द्वारा जो नया मन परमेश्वर करता है उसकी बातों को, है ना, और वो नया मन जो आपके अंदर व्यक्तित्व भी नया कर देता है, आपके अंदर के स्वभाव को ही नया कर देता है वो नया मन। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारे भीतर नए सिरे से आत्मा डालूंगा, तुम मेरे नियमों को और विधियों को मानोगे और उनको सीखोगे। तो आपका मन बड़ा धोखा देता है आपको, लेकिन जो खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति है उसका मन उसके कंट्रोल में रहता है, उसका मन उसके कंट्रोल में रहता है, वो अपने मन के ऊपर काबू करता है, अपने मन के ऊपर विजय पाता है, और उसका मन उसे कुछ नहीं कर सकता। वो फड़फड़ाता रहता है, पिंजरे में बंद करके साइड में डाल देता है, तू जो मर्जी कर, मैं तेरी बातें सुनूंगा ही नहीं, सोचूंगा ही नहीं, बोलूंगा ही नहीं, देखूंगा ही नहीं तेरी तरफ, मैं तो परमेश्वर की बातों को मानूंगा, उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, वो जैसा कहता है वैसा करूंगा। और वो व्यक्ति जीवन को पा लेता है, हालेलुया, वो व्यक्ति परमेश्वर को खुश करता है।